हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरविन पटेल। वेलकम टू एनरिच माइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्लास थर्ड का चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम क्या है बच्चों? वेयर टू लुक फ्रॉम। वेयर टू लुक फ्रॉम मतलब कहाँ से देखें, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप व्यू मतलब ऊपर से, साइड व्यू बाजू से, ड्रॉ पैटर्न्स, मिरर हब्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए कार। हमारी टीचर ने बोला क्या कार की पिक्चर बनाओ। वी ऑल ड्रॉ द कार डिफरेंटली। हम लोगों ने अलग अलग तरीके से कार ड्रॉ की। नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड अवर पिक्चर टू ईच अदर। अगले दिन हमने हमारी पिक्चर्स एक दूसरे को दिखाई। We were very excited. हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हुए। But Anshul started laughing. Anshul क्या? हंसने लगा। He was looking at Dheeraj's drawing of a car. उसने धीरज क्या करा है? उसने धीरज की कार को देखने लगा। Anshul said. Anshul बोलता है, It looked like a small box. Kept in a bigger one. तो अंशुल क्या बोलता है? वो क्या है? इट लुक लाइक के स्मॉल बॉक्स। एक बॉक्स लग रहा है। किसके अंदर है वो? बड़े बॉक्स के अंदर रखा हुआ, ठीक है। देखो आप इसमें बोथ ऑफ देम ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सेम कार। दोनों ने क्या सेम कार की पिक्चर ड्रॉ की है। बट द ड्रॉइंग्स लुक डिफरेंट। बट क्या है? ड्रॉइंग क्या है? डिफरेंट है। क्यों है बच्चों? क्योंकि वो व्यू से, ये क्या है? टॉप व्यू, ऊपर की तरफ से देखा है। ये क्या है? साइड व्यूज, ठीक है। धीरज सेड ही हैड लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरेस। अब धीरज बोलता है, मैंने कार को कहा ऊपर से, टेरेस के ऊपर से देखा। डू यू थिंक हिज फनी ड्रॉइंग इज राइट। क्या ये पिक्चर राइट है? यस, क्योंकि उसने ऊपर से देखा, इसलिए क्या है? टॉप से है। Have you looked at things from different sides? क्या आप things को मतलब कोई भी जैसे टेबल है, कार है, इन चीजों को आप साइड से देख सकते हो क्या? Do they look the same or different? तो ये क्या होंगे बताओ? Different होंगे या सेम होंगे? Different होंगे, क्योंकि टॉप से देखेंगे तो इस तरीके से पिक्चर दिखेगी, साइड से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगी। लुक एट द पिक्चर ड्रॉ हियर। ये पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको देखो। हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड। साइड से टेबल कैसा दिखेगा बताओ बच्चों? ये देखो, साइड से इस तरीके से आपको टेबल दिखेगा। विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप। टॉप से कौन सी पिक्चर है? ये वाली। आया बच्चों समझ में? सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो। कुछ पिक्चर्स नीचे दी हुई हैं। इमेजिन हाउ डज थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप। अब देखो बच्चों, ये क्या है? साइड से दी हुई है। विल दे लुक लाइक दिस। अब इनको आप टॉप से देखेंगे कैसा दिखेगा? देखो ये कुकर है, इसको टॉप से देखेंगे कैसा दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। स्लीपर इस तरीके से दिखेंगे। ये आपका वाटरमेलन है, इस तरीके से दिखेगा। ये टेबल है आपकी, इस तरीके से दिखेगी। आए बच्चों समझ में? चलो बच्चों नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रैक्टिस टाइम। ए कैट इज पीपिंग इनटू ए क्लासरूम। बिल्ली है वो क्या है? क्लासरूम में झांक रही है। पीपिंग मतलब झांकना। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज। अब आप इसकी हेल्प कर सकते हैं, टीचर कहां पर है? तो आप देखो, टीचर कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। ये कौन है? टीचर है, ठीक है। ये बाकी क्या है? स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर सम पिक्चर्स। कुछ पिक्चर दी हुई है, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक। अब आपको देखना है, आप कहां से देखना है? टू सी द थिंग्स दिस वे। अब देखो स्टेयर है, स्टेयर किस उससे देखेंगे? इसे साइड से।
ये वाली स्टेयर्स कैसे देखेंगे बच्चों? टॉप से। ये टेबल टॉप से, ये चेयर कहां से? देखो बच्चों साइड से, इस तरीके से दिखती है। देखो पेंसिल टॉप से, ये बस है आपकी साइड से। आया बच्चों समझ में? नेक्स्ट है, ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर। अब क्या करना है आपको? कुछ थिंग्स के आपको टॉप व्यू बनाना है। तो देखो एक व्यू मैं बनाता हूं, आप देखो ये बना है। ये किसका है बच्चों बताओ? आप स्केल देखा आपने? ये स्केल है। तो मैंने क्या स्केल का टॉप व्यू बनाया, ठीक है। साइड व्यू क्या होगा बच्चों इसका? ये। तो आया बच्चों समझ में? चलो नेक्स्ट है रंगोली। हैव यू एवर मेड ए रंगोली? क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? माय फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न। मेरी फ्रेंड है मीनाक्षी, वो बहुत ही सुंदर फ्लोर पैटर्न्स बनाती है। देखो ये बना रही है। अब ये बोलते हैं आई एम मीनाक्षी, मैं मीनाक्षी हूँ। आई बिलोंग टू तमिलनाडु, मैं कहाँ से हूँ? तमिलनाडु से हूँ। वी मेक कोलम पैटर्न एवरी मॉर्निंग, मैं हमेशा हम लोग हमेशा कॉलम पैटर्न बनाते हैं रोज सुबह। दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स, ये किससे बनते हैं? डॉट्स से, ठीक है। देखो डॉट्स से बनाए ना। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट गिवन बिलो टू मेक पैटर्न। तो आपको भी ट्राई करना है इन डॉट्स का यूज कर और बनाना है। टू एग्जाम्पल्स हैव बीन ड्रॉन हियर, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। देखो एक ये एक ये, तो आपको भी बनाकर देखना है। तो कैसे बना सकते हो आप? ठीक है इस तरीके से आप। इस तरीके से आपको पैटर्न बनाने हैं। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ, आपको दूसरे पैटर्न्स बनाने हैं अपने से। कॉपी दिस शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड्स, कॉपी करना है इन शेप्स को इन ग्रिड्स पर, ठीक है। नोट दैट सम लाइंस इन द शेप आर स्ट्रेट, कुछ क्या है स्ट्रेट है, एंड सम आर नॉट, कुछ क्या है नहीं है। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो पहले इसके लिए कैसे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है बच्चों। कॉपी करना है इस तरीके से आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको कौन सा बनाना है? ये वाला। इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला, इसको कैसे बनाएंगे आप?
इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको ये वाला बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, ये वाला आपको फ्लावर बनाना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट वाला देखो आपको। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? यूज द डॉट ग्रिड्स गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिजाइन एंड शेप्स। अब आपको अपने शेप्स बनाने हैं, ठीक है, अपने डिजाइन से। तो देखो कैसे बना सकते हो आप। देखो इस तरीके से बना सकते हो। एक शेप ये बन गया, ठीक है। क्या बना सकते हो? एक इस तरीके से आप ये बना सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने शेप्स बनाने हैं। ठीक है, तो अपने से बनाने हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? कंप्लीट दिस फिगर्स टू मेक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब क्या है आपको? फिगर दिए हुए हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो आपको कंप्लीट करना है। देखो इसको कैसे करेंगे। तो ये क्या है आपका? रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये भी आपका क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है आपका? स्क्वायर। ये क्या है बच्चों आपका? रेक्टेंगल। ये क्या है बच्चों आपका? स्क्वायर। ये भी क्या है आपका? स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, ऑन द डॉट ग्रिड्स गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या बनाना है आपको? काइट, ए लीफ, ए फ्लावर, ए बोट, ए स्टार, ए पॉट। ठीक है, ये आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? काइट कैसे बनाते हैं आपको आती है? देखो इस तरीके से। ये काइट बन गई आपकी। लीफ कैसे बनाते हैं? लीफ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या बनाना है? नेक्स्ट क्या है? फ्लावर। फ्लावर कैसे बनाते हैं? इस तरीके से, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है आपका, ए बोट। बोट कैसे बनाते हैं बच्चों? इस तरीके से आप बोट बना लोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टार। स्टार कैसे बनाते हैं बच्चों? स्टार बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पॉट। पॉट कैसे बनाते हैं बच्चों? आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों टिट फॉर टाइट। टिट फॉर टाइट का मतलब जैसे का तैसा, ठीक है। वन डे अमीना मेट ए पेंटर। एक दिन अमीना पेंटर से मिली। कैन यू मेक माई पिक्चर, बोलती है, क्या तुम मेरी पिक्चर बना सकते हो? तो पेंटर बोलता है, यस श्योर आई चार्ज 200 रुपीज फॉर इट। वो बोलता, हाँ मैं बना सकता हूँ, बट मैं उसके लिए 200 रुपए चार्ज करूंगा। आफ्टर ए वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। तो क्या थोड़ी देर बाद पेंटर ने पिक्चर शो करी। अमीना हाउ डू यू लाइक इट, तुमको कैसी लगी? बट दिस इज ओनली हाफ। तो अमीना बोलती, ये तो हाफ है। तो पेंटर बोलता है, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम। दूसरा हाफ क्या है, बिल्कुल इसके सेम है। सो जस्ट पुट ए मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। इसके सामने मिरर रखो, कंप्लीट पिक्चर आपको मिल जाएगी। फिर क्या बोलता है ये, नाउ कैन आई हैव माई मनी, मेरी पैसे दो आप। तो फिर अमीना गेव हिम ए 100 रुपीज नोट। अमीना ने 100 रुपीज का नोट दिया। बट दिस इज ओनली हाफ द मनी। तो ये बोलता है क्या कि ये तो हाफ मनी है, 200 रुपए का बोला था ना। तो फिर ये बोलती है अमीना, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम। तो क्या बोलती है, दूसरा हाफ क्या है, बिल्कुल सेम है। So just put a mirror next to the note to get the full money. तो वो क्या बोलती है, आप मिरर रख कर देखो, उसमें आधा हाफ आपको दिख जाएगा। तो क्या हुआ, tit for tat, जैसे का तैसा। उसने हाफ पिक्चर बनाई तो उसने भी क्या हाफ पैसे दिए। आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। The painter had made many such pictures in which he drew only one half of the things. तो ये painter है, इसने कुछ pictures बनाई हुई हैं। तो इसमें क्या है, half pictures ही बनाई हैं। Draw the other half of these pictures. तो जो other half है उसको आपको बनाना है। And find out what these things are. अब find भी करना है क्या है। Try doing it with a mirror. Mirror की help से आपको बनाना है, ठीक है। तो देखो इसका अदर हाफ कैसा बना सकते हैं आप, इस तरीके से। इस तरीके से आपको बनाना है। ये क्या है, बटरफ्लाई। ये क्या है, दीपक। ये क्या है, कैट।
है, ये क्या है? स्टार। ठीक है, ये क्या है? फिश। आपको बनानी है, ठीक है? आए बच्चों समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी रिपीट दी पेंटर्स ट्रिक। क्या अपन भी पेंटर की ट्रिक को रिपीट कर सकते हैं वाइल ड्राइंग पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये वाली पिक्चर है, इस पिक्चर से पेंटर वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? देखो इस तरीके से करेंगे तो क्या ये मुंह है, ये इस तरफ आएगा, ठीक है? अब देखो इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, इसके कान है ये नीचे आएंगे, ठीक है? तो मिरर में सेम नहीं होगा। तो देखो कप में कर सकते हैं क्या? देखो कप में करेंगे तो क्या होगा, ये तो आएगा बट ये क्या, ये हैंडल कैसा आएगा, उल्टा आएगा। आया समझ में? फ्लैग को कर सकते हैं क्या? देखो फ्लैग को करेंगे तो क्या, कलर क्या होगा, डिफरेंट आएगा, यहाँ कैसा आएगा, ऑरेंज नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसे भी नहीं कर सकते। तो इफ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर मिरर्स हाफ्स, देन ही कैन नॉट प्ले दी ट्रिक। अब इसमें आपको पेंटर से कुछ ऐसी थिंग्स पूछना है जो मिरर में ना बने। ड्रॉ थ्री मोर सच थिंग्स विच डू नॉट हैव सिमिलर मिरर हाफ्स, दिस केस मिरर में हाफ्स ना बन पाए। तो बताओ बच्चों क्या बना सकते हैं? आपने देखा लेटर आर, ठीक है? आर हो गया। देखो इससे अपन बनाएंगे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है? इसका हाफ पार्ट नहीं दिखेगा। और क्या बना सकते हैं बच्चों? एल, ठीक है बच्चों? चलो बच्चों नेक्स्ट है मिरर हाफ्स। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है? डस डॉटेड लाइन डिवाइडेड ईच पिक्चर इंटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स। डॉटेड लाइन है वो क्या है, मिरर को मिरर हाफ्स में डिवाइड करेगी। तो बताओ बच्चों इसमें कर पाएगी क्या? इसे ये वाली इमेज देखो, मिरर में देखेंगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा क्या? यस, ये वाला दिखेगा। देखो इस पार्ट को देखेंगे मिरर में तो ये दिखेगा, यस। ये दिखेगा क्या बच्चों? ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा क्या? नहीं। इसमें देखो बच्चों, इसमें देख पाएंगे क्या? देखो ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये इधर दिखेगा, तो ये क्या है? नहीं। ये वाला, यस। ये वाला देखो, इसमें देखो ये सर्कल है, ग्रीन वाला इधर आएगा तो ये नहीं। ये वाला हो जाएगा बच्चों, देखो ये नीचे वाला ऊपर। टी दिखेगा, यस। ये वाला दिखेगा क्या? अब वाला पार्ट नीचे दिखेगा क्या? नहीं। ये भी नहीं। ये वाला, यस। एम दिखेगा आपको, यस। ये वाला पार्ट, यस। ये वाला, यस। अब देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, रॉन्ग। ये वाला, यस। तो आया बच्चों समझ में? इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है गिव सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। बताओ बच्चों, देखो एक तो ए, ए फॉर एप्पल। देखो इसको मैं इमेज में मिरर में देखूंगा हाफ से तो ये वाला पार्ट इधर दिखेगा, यस। दूसरा आपका क्या देख सकते हो आप?
वो देखो, आप ऐसा देखोगे, ये वाला पार्ट ऐसा नीचे दिखेगा, ठीक है। और क्या देख सकते हो आप? सी। ई। आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यूजिंग ए डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स इनटू टू सिमिलर हाफ्स। अब डॉटेड लाइन से अब इनको ऐसा करना है जो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड हो। तो देखो, कॉम कैसे हो सकता है बच्चों? इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखो लेटर, ठीक है। एट को देखो कैसे करेंगे डिवाइड, ठीक है। सीजर को कैसे करेंगे? मिडिल से, ठीक है। अब देखो ये है आपकी बटन, कैटल कर सकते हैं क्या बच्चों? देखो कैटल को करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो नहीं कर सकते, ठीक है। पेंसिल को कर सकते हैं? यस। कप को? नहीं। इसको मिडिल से कर देंगे। अब देखो ये फ्रॉक को, ठीक है। बेल को, ये फ्लॉपी डिस्क को कर सकते हैं क्या? देखो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वाला पार्ट इधर आएगा। प्लेन को, एरोप्लेन को कर सकते हैं। इसको नहीं। टू को? नहीं। इसको कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं। आयरन को? नहीं। अम्ब्रेला को? नहीं। क्लॉक को? नहीं, क्योंकि नंबर्स आएंगे इसके इस तरफ, ठीक है। आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों, नेक्स्ट है, कैन यू गैस दिस लेटर्स फ्रॉम देयर हाफ्स। अब गैस करके बताओ कौन सा लेटर है। तो देखो ये कैसा दिख रहा है आपको? इस तरीके से दिख रहा है आपको। तो ये क्या है? ए। गैस कर सकते हैं ये क्या है? सी। ये वाला एच। ये यू। ये बी। ये एक्स। आया समझ में? यूजिंग सच लेटर्स वी कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हाफ्स। अब आपको कुछ हाफ से वर्ड बनाने हैं। गैस दी वर्ड्स बाई लुकिंग एट देयर हाफ्स। अब देखो ये इसका हाफ पार्ट दिया है, हाफ और बनाएंगे, ठीक है। क्या हो गया? एच। ओ। डब्ल्यू। ये क्या हो गया? हाउ। ये क्या है? डब्लू। ए। एक्स। वैक्स। देखो ये क्या है? सी। डी।
कुक्ड है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, डी आई सी ई डाइस। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग ए मास्क, एक मास्क बनाना है। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ ए कैट। ये बोलते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे मास्क बनाना है। टेक ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का पीस लो। फोल्ड इट अलोंग द मिडिल, मिडिल से उसे फोल्ड कर लो। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर, एक साइड क्या फिगर बना लो, कैट का फिगर बनाया ये। कट इट आउट यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर, सीजर से इसे कट कर लो। ठीक है, कैट कट। नेक्स्ट उसमें क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक द आई आईज नोज इटीसी। तो क्या करोगे, फोल्ड ओपन करो, आईज नोज वगैरह बनाओ। ठीक है, कलर इट एंड टाई ए रबर बैंड ऑन इट्स बैक। तो क्या करो, कलर कर दो उस पर और एक क्या करो, रबर बैंड लगा दो। योर मास्क इज रेडी, मास्क बन जाएगा। तो आया समझ में, यू कैन मेक मोर सच मास्क बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स की हेल्प से कुछ और मास्क आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों चैप्टर सेकंड फन विद नंबर्स। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।